नमस्कार, मैं हूं प्रियांक सौरभ और आप देख रहे हैं बिहारी डॉट। आज हमारे साथ हमारे स्टूड हैं पटना शहर के एक बेहतरीन कॉमर्स शिक्षक और काफ़ी समय से कॉमर्स के क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं और छात्रों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टर एस के खंडेलिया सर। आज हम इनसे करेंगे खास बातचीत और कॉमर्स विषय के बारे में उनसे करेंगे विशेष चर्चा। इस दौरान आप अपनी समस्याओं का समाधान अपने मैसेज के माध्यम से और इस लाइव चैटिंग लाइव वीडियो के दौरान आप पूछ सकते हैं, सर हमारे आपके सवालों का जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं इस खास बातचीत को। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बिहारी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर, कॉमर्स विषय पे फ्यूचर कॉमर्स विषय को लेके हमारा भविष्य पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, तो एक सवाल जो है काफ़ी चर्चा में रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं जो इंटर आर्ट्स या साइंस से करने के बाद वो कॉमर्स में जाना चाहते हैं, तो इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग जो आर्ट्स करते हैं ट्वेल्थ और साइंस से करते हैं, तो उनका किसी कारण से अगर साइंस कर रहे हैं मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं हो पाया तो स्विच ओवर करना चाहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, तो उनका स्वागत होता है कॉमर्स में और कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आती है उनको। केवल 11th 12th के कुछ सब्जेक्ट्स अकाउंट्स कॉमर्स इकोनॉमिक्स, इनकी जो बेसिक्स हैं वो एक दो महीने में वो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आगे कॉमर्स के हर फील्ड में कहीं भी जाना हो कहीं उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो पाती है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत होता है कॉमर्स में। कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ साइंस आर्ट्स या किसी भी और अदर स्ट्रीम्स के बच्चे आके आराम से कोर्स कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि उन्हें बेसिक कोर्स शुरू में कर लेना चाहिए। सर, एक कन्फ्यूजन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि वो कॉमर्स तो करते हैं लेकिन उनको उसके फ्यूचर के बारे में बहुत तरह का संशय होता है मन में। जैसे कि क्या होता है कि कॉमर्स से ट्वेल्थ कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, तो वो सोचते हैं कि भविष्य में किन क्षेत्रों में हम अपना करियर बना सकते हैं। उनके मन में एक दो ही ऑप्शंस होते हैं, तो कॉमर्स से ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ करने के बाद किन किन क्षेत्रों में करियर बनाया जा सकता है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सबों के मन में ये डाउट रहता है, खासकर बिहार में तो और ज़्यादा, क्योंकि बिहार में लोग सोचते हैं साइंस डॉक्टर इंजीनियर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जहाँ डॉक्टर इंजीनियर ये दो चीज़ों को छोड़ के कॉमर्स लेके बच्चा कुछ भी कर सकता है। स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा अवसर हैं शायद ही किसी स्ट्रीम में हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स की पढ़ाई करके कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, MBA कर सकते हैं, बैंक के क्षेत्र में जा सकते हैं, UPSC कर सकते हैं, इवन आप रिसर्च कर करके रिसर्च डेवलपर बन सकते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में भी बहुत सारे इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अकाउंट्स और फाइनेंस से भरे हुए हैं, तो हर क्षेत्र खुला हुआ है केवल दो चीज़ों को छोड़ के, मेडिकल और इंजीनियरिंग। तो कॉमर्स एक इतना वाइडर स्कोप वाला क्षेत्र है कि शायद ही कोई अदर स्ट्रीम है ये। यानी यूँ कह सकते हैं कि कॉमर्स एक कैरियर के खजाना के रूप में, कह सकते हैं कि एक बेहतर कैरियर की कुंजी के रूप में वह है जिसके माध्यम से आप अपने कैरियर का ताला खोल सकते हैं और एक बेहतर कैरियर की तरफ मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक सवाल आता है कि क्या कॉमर्स के छात्र IT सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं क्या? देखिए, कॉमर्स में क्या है कि अकाउंट्स और फाइनेंस है, ठीक है ना, तो अगर वो चाहें और थोड़े बहुत कंप्यूटर की टेक्निक जान लें, बल्कि जानते भी हैं, कोर्सेज में भी हैं इंक्लूडेड, तो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, खासकर अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर जिसकी ज़रूरत सबको पड़ती है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई कंसर्न हो, ऑफिस हो, कंपनी हो, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, अकाउंट्स के और फाइनेंस के और टैक्स के सॉफ्टवेयर बनाते हैं कॉमर्स वाले। एक जो होता है कि नॉर्मली आपने भी चर्चा किया कि कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद MBA CA वगैरह CS वगैरह का बहुत सारा ऑप्शन है और बहुत सारे रास्ते उससे खुल जाते हैं, तो जो MBA होता है या CA होता है, इनमें से किसी भी छात्रों के लिए बेहतर क्या होगा, इस पर थोड़ा सा फोकस? मेरा मानना है कि डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स का कैसा टेस्ट है, उसकी कितनी क्षमता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम CA की बात करें और MBA की, तो दोनों बिल्कुल दो अलग फील्ड हो गई। CA का काम हो गया ऑडिट करना, टैक्सेशन से रिलेटेड वर्क करना, और MBA फाइनेंस में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, सेल्स में कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के टेस्ट पे। दोनों कोर्स की अगर वेटेज की बात करें तो दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे कोर्स हैं। हाँ, CA MBA के कंपेरेटिवली थोड़ा टफ पड़ता है। यानी यू कह सकते हैं कि CA थोड़ा सा
कठिन पड़ता है, लेकिन हालांकि भविष्य तो दोनों की उज्जवल है। हाँ, बिल्कुल। और आजकल हालांकि देख सकते हैं सर कि MBA को लेकर तरह तरह की अवधारणाएं बना दी गई है कि MBA करने वाले एकदम सड़क पे, तो ऐसा क्या है? मतलब क्या सच में MBA वाले की के साथ मतलब भविष्य के मतलब कह सकते उज्जवल भविष्य नहीं है क्या? नहीं, मार्केट में बहुत तरह की अफवाहें नहीं, नहीं, छात्र इस तरह की अफवाहों में बिल्कुल ना पढ़े। मैं उनको बता दूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। होता क्या है कि शिक्षा जब आप लें, चाहे MBA की लें या किसी चीज़ की, तो उसकी मेटेरिलिटी पे ध्यान रखें, एग्ज़ाम खाली पास ना करें। अच्छा। अगर आपके अंदर टैलेंट है, नॉलेज लेके पास करते हैं, तो आज भी सबका सबको ज़रूरत है कि एक टैलेंटेड पर्सन चाहिए। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ भी है, बाहर भी है, तो बिल्कुल बहम ना करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है MBA में, फाइनेंस करके, मार्केटिंग करके, होटल मैनेजमेंट वगैरह की इतनी अच्छी पर्यटन विभाग में जॉब है और इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो बिल्कुल वहम में ना करें, बहुत अच्छे से करें और मार्केट में ऑब्जर्व करवाएं अपने आप को। खंडेलिया सर, जैसा कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और पटना में कई बड़े बड़े कॉमर्स के छात्रों को अपने मुकाम तक पहुंचाया है और काफ़ी वर्षों से इस क्षेत्र में आप नाम कमा रहे हैं, तो आप इस क्षेत्र के जो जाने माने चेहरा है, तो आपको तो इतना तो पता होगा कि छात्रों का बेसिक जो प्रॉब्लम है वो क्या है? नॉर्मली छात्रों में क्या बेसिक प्रॉब्लम होता है? आज थोड़ा सा चर्चा कर लें इस पर। एक्चुअली उनको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है। अच्छा। जो कंसेलिंग करना चाहिए सही ढंग से, ज़्यादातर लोग हो गए हैं प्रोफेशनल, ठीक है ना। हमें छात्रों का दिमाग रीड करना होता है, उसकी क्षमता रीड करनी होती है, क्योंकि हम लोग की पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स का भी जो ब्रेन होता है ना, वो अलग अलग होता है, प्लस उनकी 10th तक की जो एजुकेशन होती है उसमें उनकी क्या मेंटेलिटी है, ये सब समझते हुए अगर उनको सही गाइडलाइन दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आज के स्टूडेंट आप लोग कहीं से किसी भी ढंग से कमज़ोर हैं। मैंने पिछले 34 साल में कभी ऐसा फेस ही नहीं किया कि कोई स्टूडेंट्स कमज़ोर है, और फ्रॉम द डे बिगनिंग मैं कहता हूँ कि यहाँ बैठे हुए सारे स्टूडेंट सब कुछ कर सकते हैं और कर पाते हैं। सिर्फ एक ही परेशानी है कि सही मार्गदर्शन में चलें, थोड़ा वक्त दें पढ़ाई पे, है ना। कोई भी चीज़ में हार्ड लेबर, कॉन्सेंट्रेशन और रेगुलरिटी की ज़रूरत होती है, वो रहेंगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप जैसा देख रहे हैं आज हमारे साथ खंडेलिया सर जुड़े हुए हैं, जो जिन्होंने भी बताया कि वो 34 वर्षों से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और अभी तक कई सौ, कह सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में छात्र इनके माध्यम से अपनी मंजिल को पा चुके हैं। आप भी अभी आप बातचीत सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारे खंडेलिया सर से, और बात के दौरान अगर आपके मन में भी किसी भी तरह का सवाल आता है, अगर आपको भी कॉमर्स विषय को लेकर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। सर आपके सवालों का जवाब सीधे सीधे अभी देंगे और उनसे हम आगे बातचीत करते रहते हैं कि सर कॉमर्स में सबसे टफ किस विषय को माना जाता है? जनरली स्टूडेंट्स लोगों का ये वहम होता है, मेरा तो नहीं, कि अकाउंट्स टफ है, ठीक है ना। और मेरा मानना है कि अकाउंट सबसे ज़्यादा इजी है। तो फिर ये अकाउंट्स जो टफ माना जाता है, नॉर्मली मैंने भी सुना है कि कॉमर्स के छात्रों से मैंने बातचीत की तो उसमें मालूम चला कि अकाउंट्स जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, तो इसको आसानी से जो है समझने का कोई उपाय है क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब कह सके कि रामबाण की तरह तुरंत। हाँ बिल्कुल है, कॉमर्स में अगर अकाउंट्स आपको समझना है तो थ्योरेटिकल अप्रोच पे कम जाएं और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जाएं। ज़्यादातर जो मार्गदर्शन इनको मिलता है तो वो पहले ट्राई करते हैं और सब्जेक्ट की तरह कि पहले थ्योरी 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 पढ़ें। अकाउंट्स बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसके प्रैक्टिकल अप्रोच को समझें, इजी टेक्निक से समझें, और हर चीज़ की 50, जैसे यहाँ से एक डेस्टिनेशन तक जाने के 5 रास्ते हैं, तो उसमें एक ऐसा रास्ता होता है जो सबसे ईजी होता है, तो उसी तरह अकाउंट्स का भी टेक्निक सीखते समय सबसे ईजिएस्ट टेक्निक सीखें कि एक टेक्निक से सारे क्वेश्चंस बन जाएं, मतलब एक तीर से कई शिकार हो जाएं। तो वो टेक्निक उन्हें जाननी होगी, ईजी टेक्निक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच पे ध्यान दें और प्रैक्टिस करें। अकाउंट्स पूरी तरह से प्रैक्टिस का गेम है, अगर आप सीख भी जाते हैं और प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो फिर वो जीरो पे आ जाते हैं। हालांकि सर बीच में हम आपको रुकना चाहेंगे, दरअसल हमारे कुछ दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका शिकायत है कि मतलब वो वीडियो शायद उनको सही ढंग से नहीं मिला। हालांकि कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम तो दरअसल नेटवर्क का हो सकता है और नेटवर्क की दुनिया में कुछ भी संभव है। और जो आपका शिकायत आ रहा है कि रोटेट योर फ़ोन, तो दरअसल अभी लाइव कार्यक्रम चल रहा है और इसमें जो चल रहा है तो इसमें हम डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, तो आप मोबाइल पे सही ढंग से देख सकते हैं, लैपटॉप भी देख सकते हैं, लेकिन अभी ये करना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है।
तो क्षमा चाहेंगे हम आपसे, और आप इस समय आप अपनी समस्याओं का निदान सर से पूछ सकते हैं। सर अभी आपके लिए बैठे हुए हैं, आपके सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं, हमसे खुद डायरेक्ट बातचीत हो रही है। और सर अभी मतलब तरह तरह की जो धारणाएं होती है, आजकल लोग कंपिटेटिव एग्जामिनेशन के पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि सबका एक दौर होता था, जैसे सुनते थे कि एक समय था कि लोग इंजीनियरिंग के पीछे भागते थे, आज उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अभी जो समय लोग को देख रहे हैं कि वो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो है वो लगातार वो शुरू से लेकर अब तक लोग उसके प्रति उनकी दीवानगी है, तो क्या कॉमर्स वालों के लिए ऐसा कोई ऑप्शन है कि मतलब वो कॉम्पिटेटिव क्षेत्र में कॉमर्स क्या हेल्पफुल साबित हो सकता है? मैंने कहा ना कि कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिससे सब कुछ पॉसिबल है, केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़ के। कॉमर्स करके तो कॉम्पिटेटिव लाइन बहुत सारी खुली हुई हैं, लाइक MBA के कैट कर सकते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सफल छात्रों का प्रतिशत कॉमर्स स्ट्रीम से आगे लोगों का होता है, क्योंकि उनका अकाउंटिंग मैथ्स ये सब भी मजबूत हो जाता है, और आगे जाके बैंक में जो जॉब करना होता है वो भी फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड ज़्यादा होता है, और बैंकिंग एक सब्जेक्ट भी है कॉमर्स में। इसके अलावा UPSC भी आप कर सकते हैं, UPSC में कॉमर्स का सब्जेक्ट लेके बड़े आराम से आप IRS सर्विस में जा सकते हैं, रेवेन्यू सर्विस में लाइक इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर, तो ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव लाइन इसमें खुल जाते हैं, जिसमें भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। सर आपको बीच में रोकना चाहेंगे, दरअसल हमारे साथ एक दर्शक जी उनका आ रहा है कि कीर्ति सिंह हैं, ये पूछ रहे हैं कि गुरु मंत्र फॉर क्रैकिंग CMA एट फर्स्ट अटेम्प्ट, कुछ गुरु मंत्र। अगर मुझसे पूछा जाए तो गुरु मंत्र एक ही है CMA, कि स्टडी मटेरियल को थोड़ा पढ़ें और बाकी सारी एक्टिविटीज़ को आप अपने एग्ज़ाम तक ड्रॉप करके कंटिन्यूसली आप सिर्फ स्टडी पे फोकस करें, आपको बिल्कुल आप क्रैक कीजिएगा। प्रॉब्लम बस यही है कि आप पढ़ाई छोड़ के कुछ कुछ और एक्टिविटी में भी एक्टिव रहते हैं। CA क्रैक करने का सबसे बड़ा तरीका है कि स्टडी मटेरियल्स को आप पढ़ें और लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को, और इसके अलावा आप बाकी एक्टिविटीज़ को कुछ दिन के लिए ड्रॉप कर दें, डेफिनेटली आप सक्सेस आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि कीर्ति सिंह जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अभी हम सर बात कर रहे थे हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम और कॉमर्स को लेके, तो अगर किसी छात्र का मैथ कमज़ोर हो, अक्सर देखते हैं लोगों को जो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम होता है, तो क्या वो कॉमर्स से आगे बढ़ सकते हैं? ये वहम है लोगों में कि मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो नहीं बह सकते हैं, क्योंकि 10th तक सब पास करके ही कॉमर्स में जाते हैं, और 10th तक के सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स है, जितनी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है उनको, जैसे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें वो 10th तक पढ़ लेते हैं। इसके अलावा कॉमर्स में जो मैथमेटिक्स होती है वो उनके लिए कोई स्पेशल साइंस वाली मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये वहम निकाल दें, आप बिना मैथमेटिक्स 10th के बाद पढ़े हुए भी कॉमर्स के क्षेत्र में CA बन सकते हैं, CS बन सकते हैं, ICW सारे स्ट्रीम में जा सकते हैं, बिल्कुल ना डरे, इसमें मैथमेटिक्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 10th तक का आपका कैलकुलेशन का अप्रोच ठीक होना चाहिए। हमारे साथ नेहा गिरी जुड़ी हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि जॉब प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर डूइंग CA और CMA और CS। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि CA CS आप ये जो भी कोर्स करते हैं इसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाई कर देती है, आप गजेटेड ऑफिसर ऑलरेडी बन जाते हैं, और जॉब लेने के लिए कहीं कोई एग्ज़ाम अब देना नहीं पड़ता है, सिर्फ इंटरव्यू फेस करना होता है, और कई जगह हमारे देश में भी और बाहर भी जो नियरेस्ट कंट्री हैं वहाँ भी कंपलसरी है कई कंपनियों में तो CA CS, तो जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, आप एक बार पास कर जाइए आप लाइफ लॉन्ग कभी भी बैठे नहीं रहेगा एक मिनट के लिए भी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नेहा गिरी आपका सवाल बहुत ही बेहतर था, सर ने आपका जवाब दिया, उम्मीद करते हैं कि आपको उचित आंसर मिल गया है। हम आगे बढ़ते हैं, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं ऑनलाइन, सर अभी आपका आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं आप में हमारे वीडियो के माध्यम से। सर एक नॉर्मली जो एक देखते हैं कि जो अवधारणाएं होते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट में कि हम कमज़ोर हैं, हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, या हम पर एक बर्डन है, फैमिली बर्डन हो या समाज का, या कहने का मतलब आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर हो, जो कमज़ोर जो विभिन्न रूपों से जो होते हैं, आर्थिक हो, सामाजिक हो या पारिवारिक हो, विभिन्न रूपों से, तो उनके लिए कॉमर्स करना क्या कठिन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे दर्शकों को या स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा करेगा। कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें फाइनेंशियली सबसे कम पैसा लगता है पढ़ाई में, जैसे CA CS जैसे सबसे रेपुटेटेड कोर्स हैं उसकी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये कहीं और से रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता है, वो 10-20 हज़ार के अंदर में फीस रख रखी है,
तो कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जहाँ पहले जो प्रॉब्लम होती है फाइनेंस की कि लाखों लाख रुपया देने हैं, 10 लाख 5 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही कम फाइनेंस में आप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि क्षमता, क्षमता बस मैंने कहा ना, 10th तक आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो कॉमर्स फील्ड में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, ये इस बात की आप गारंटी मान के चलें। तो दोनों ढंग से इजी हो गया, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कैपेसिटी के बाइस भी। यानी यूँ कह सकते हैं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ विभिन्न तरह की समस्याएं हैं और आप कॉमर्स से आगे नहीं बढ़ सकते, तो यह महज एक आपकी गलत अवधारणा है। आप इस अवधारणा को तोड़ के कॉमर्स के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमारे साथ सूरज जैन जुड़े हैं, वो पूछ रहे हैं शैल आई गो टू फॉरेन आफ्टर परचिंग कॉमर्स। यस यू कैन गो, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी इन फॉरेन कंट्री, बहुत सारी हैं। जैसे हमारे नियरेस्ट जो अरबियन कंट्री हैं या नेपाल हुए या फिर जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ में तो यहाँ के सीए सीए सबका वैल्यू है। वहाँ डायरेक्टली आपको सीए का अपॉइंटमेंट मिलता है, बिल्कुल। हमारे कई छात्र वहाँ जॉब भी कर रहे हैं। और रहा सवाल अमेरिकन या यूरोपियन कंट्री में, तो वहाँ एक छोटे मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब ये पूरा कोर्स नहीं करना होता, बहुत छोटे मोटे एक एग्ज़ाम्स होते हैं, वो क्लियर कर गए तो वहाँ की कंट्री में भी आपको यहाँ के डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छी फाइनेंस की तो सिंगापुर वगैरह में इतनी रिक्वायरमेंट और इतनी हाई सैलरी है कि आप ट्राई करें, हमारे कई स्टूडेंट्स करोड़ों में कमा रहे हैं, तो आई विश कि आप भी करें। तो सूरज जैन जी, आप भी विदेशों में जाके अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो आप भी करोड़ों में कमा सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जैसा कि सर बता रहे हैं, आपके सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिलती हैं, आप कॉमर्स के जरिए वो पा सकते हैं। रोशन कुमार यादव कह रहे हैं, हु कैन यू डिवाइडेड सी एस, सॉरी वन मोर टाइम, हु कैन यू डिवाइडेड सॉरी डिवाइडेड सी एस, एक्चुअली क्या नाम है इनका, रोशन कुमार यादव। रोशन जी, द प्रॉब्लम इज दैट इट्स टोटली डिपेंड ऑन चॉइस। सी ए इज क्वाइट प्रैक्टिकल अप्रोच एंड सी एस इज लीगल अप्रोच। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू इज कि आफ्टर बिकमिंग सी ए यू हैव टू ऑडिट और डू अकाउंट्स और टैक्सेशन वर्क, एंड इन सी एस यू हैव टू जस्ट सी द लीगल अप्रोच, द कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर टेस्ट। इफ यू हैव अ थ्योरेटिकल अप्रोच यू गो टू सी एस, एंड इफ यू हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच यू गो टू सी ए। अभी खंडेलिया सर हमारे बीच बैठे हुए हैं, आपसे सीधी बातचीत हो रही है और आप भी इस दौरान अपने सवालों का सीधा सीधा जवाब सर से प्राप्त कर सकते हैं। कॉमर्स के क्षेत्र में भविष्य कैसे बनाएं, कॉमर्स को लेके हम आगे कैसे बढ़ें, इन मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सर, कॉमर्स जो है, तो कॉमर्स लेके जो लोगों के मन में तरह तरह की बातें आती हैं कि कॉमर्स जो है, मतलब क्या इसके माध्यम से मतलब कह सकते हैं कि कॉमर्स के माध्यम से सिर्फ बैंकिंग में आगे बढ़ सकते हैं या रेलवे वगैरह जो भी गवर्नमेंट ये है, तो यूपीएससी में ये कैसे सहायक होता है? यूपीएससी में क्या होता है कि जीके जीएस और इंग्लिश वगैरह तो है ही पेपर जो तो कॉमन है सारे स्ट्रीम के लिए जी। और उसके अलावा आपको जो सब्जेक्ट्स चूज करना पड़ता है, जैसे कुछ लोग हिस्ट्री करते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस करते हैं, वैसे कॉमर्स एक भरा पूरा सब्जेक्ट है। अच्छा। और बल्कि कॉमर्स करके मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, ये आपने सुना या नहीं सुना कि IRS सर्विस, जैसे कॉमर्स से क्वालिफाइड करते हैं। अच्छा। तो रेवेन्यू सर्विस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है तो उन लोगों को होता है जो UPSC क्लियर किए हैं और कॉमर्स से हैं और रेवेन्यू सर्विस में जाना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स क्लियर करके रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स कमिश्नर बन चुके हैं। तो अभी आप देख रहे थे खंडेलिया कॉमर्स क्लासेज, पटना के डायरेक्टर डॉक्टर SK खंडेलिया सर से खास बातचीत, लाइव बातचीत के दौरान आपके सवालों का जवाब डॉक्टर खंडेलिया दे रहे थे। इस दौरान आपके विभिन्न सवालों का जवाब दिया गया, समस्याओं का निदान किया गया। आप आगे भी हमसे जुड़ते रहिए और विभिन्न माध्यमों से हम आपके समस्याओं का निदान करते रहेंगे। मैं एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं डॉक्टर SK खंडेलिया जी का, जिन्होंने कीमती समय हमारे बीच बिताकर आपके समस्याओं का निदान किया। धन्यवाद डॉक्टर खंडेलिया जी। और मैं प्रियांक सौरभ, आप देख रहे थे बिहारी.news। धन्यवाद।